स्वागत है आप सबका आज इस नए हिंदी के क्लास में। आज हम सब एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने से पहले यह आपको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। जब हम ऊंचे क्लास में इस विषय बिंदु पर चलते हैं तो वहां पर बहुत सारे डिस्कशन करने होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और काल विभाजन को बहुत ब्यौरेवार विस्तार रूप से हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आज हम अपने इस क्लास के लिए अगर हम लोग काल विभाजन को पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा परिचय के हिसाब से काल विभाजन को अगर हम जान लें तो और भी जो हमारे विषय बिंदु हैं वो हमें समझने में बहुत आसान हो जाएंगे। तो आज का काल विभाजन का जो क्लास है वह कुछ इसी दृष्टिकोण से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं हम लोग काल विभाजन पर बिना समय गंवाए। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी के साहित्य का इतिहास है। जिस प्रकार इतिहास यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो उसमें दुनिया का इतिहास, किसी एक देश का इतिहास, ये सब कुछ रहता है, वैसे ये जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने से पहले यह जान लेना क्या आवश्यक नहीं है कि इस इतिहास की शुरुआत हमारे विद्वानों ने कब से माना है या फिर कब से उनके पास वो सारे सबूत हैं जो उन्होंने अब लिपिबद्ध किया है, लिखा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के तमाम विषयों पर सभी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, सभी विद्वान अपने अपने स्तर से डिस्कवरी करके, खोज करके, उन्होंने जो कुछ भी सबूत अपने पास रखे हैं उस हिसाब से उन्होंने अपने मत को प्रकट किया। अब अगर हम इसी तरह से फॉलो करते जाएं तो हम पाएंगे कि बहुत सारे विद्वान हैं जिनके मत एक नहीं हो रहे हैं, लेकिन किसी को झुठलाया भी नहीं जा सकता इस दृष्टिकोण से। तो हमको बहुत सारी बातें एक साथ पढ़नी पड़ती है, किसी को हम झुठला नहीं सकते, उनकी भी बात हम पढ़ते हैं, इनकी भी बात पढ़ते हैं। अगर हम इस तरह से काल विभाजन करते हैं और देखते हैं तो हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बातों को अधिक महत्व दिया गया है और उनके अनुसार जो कुछ भी है उसे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, सिर्फ उन्हीं के अनुसार है, और भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, नगेंद्र, सब बहुत सारे लोगों के हिसाब से। तो इसको अब हम लोग चालू करते हैं। अगर काल विभाजन की बात को ध्यान में रखा जाए, आप एक बात याद रखिएगा, क्या जिस वक्त से काल विभाजन को माना गया है उसके पहले कुछ भी नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी आपके पास मौजूद है, इसका बेस, आधार यह है कि जो सबूत है उस आधार पर, इसके पहले की सभी बातों के सबूत आपके पास उपलब्ध नहीं है, शायद इसीलिए उसके पहले की चर्चा नहीं करी जा रही। लेकिन उसके पहले भी समाज था, उसके पहले भी बहुत कुछ थी, उसके पहले भी रचनाएं थी, बहुत सबूत नहीं है और हो सकता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग इसको सिलसिलेवार तौर पे देखें और हमको याद रहे यह विषय कि किस प्रकार काल विभाजन कितने कितने वर्षों का है, तो हम बहुत कुछ बहुत अपने स्तर से क्लियर कर सकते हैं। और अगर हम इसको चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि जिस काल विभाजन के दृष्टि से जो समय बांटा गया है उसके पहले काल को आदिकाल कहा गया। अब ये आदिकाल कब से है तो आप जानिए, संबत 1050, संबत 1050 से संबत 1375 तक के बीच में आदिकाल को माना गया है। अब अगर आप इसको याद रखने के हिसाब से करना चाहते हैं
तो इसमें कैसे आपको करना होगा? आप याद रखिए बस कुछ बात, क्या दसवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी, दसवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक आदिकाल का समय रहा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल को समय सीमा में अगर बांधे तो फिर हम लोग वही जहां पर उसको खत्म किए थे आदिकाल को 1375, तो भक्ति काल की शुरुआत वहां से होती है 1375 से 1700 ईस्वी तक, संबत 1700 तक, ईस्वी नहीं है, ईस्वी और संबत में 57 बरस का फर्क होता है, 57 ईयर्स का क्या होता है, फर्क होता है, याद रखिए। तो क्या बताया, 1375 से 1700 तक, याद रखने के हिसाब से कैसे इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। तो 10वीं से 14वीं, 14वीं से 16वीं, तो संबत 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल का रहा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रीति काल। रीति काल की समय सीमा जहां पर भक्ति काल समाप्त होता है यानी संबत 1700, वहां से आप शुरू करके संबत 1900 तक आप रीति काल का समय मान लें। संबत 1900, याद रखें मैं बार बार कह रहा हूं, सन और संबत में 57 इयर्स का डिफरेंस होता है, इस बात को याद रखें। अब आगे आए तो संबत 1700 से संबत 1900, इसके बाद संबत 1900 से अब तक के समय को हम लोग आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। अब जब इस आधुनिक काल में आप आएंगे तो आधुनिक काल में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, वही सठोत्तरी कविता, नई कविता, ये सारी के नाम से अब आपको काल विभाजन मिलेगा और इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मूल विषय क्या था, मूल विषय ये था कि कम से कम आप इतना काल विभाजन के बाद से, आज के इस क्लास के बाद कम से कम आप इतना अवश्य जान लें कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के समय सीमा को किस तरह से याद रखा जा सकता है। एकदम एक समय याद रखें 1050, या फिर मैंने कहा 10वीं से 14वीं शताब्दी, फिर 14वीं से 16वीं शताब्दी, फिर 16वीं से 19वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं शताब्दी, और फिर 19वीं शताब्दी से 19वीं संबत से, हाँ शताब्दी भाई, 19वीं शताब्दी से अब तक के समय को आप मान लें। अब जब आप इस पूरे समय का खंड को याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई आदि काल का समय क्या है, भक्ति काल कौन सा समय था, रीति काल कौन सा समय है और आधुनिक काल कौन सा समय है। ऐसा जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप अगर इस बात को जानते रहेंगे तो बहुत कुछ आपके दिमाग में रहेगा। मैंने कहा है कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ें तो आप उस समय को अवश्य जानें ताकि आप उस समय के हिसाब से उस चीज को समझते चलें, वर्णन करते चलें, वर्णित करते चलें, तब जाके उसका मैटर क्लियर होगा। आइए कुछ और बात, एक बात और बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इस कालखंड को विभाजित किया है इसका आधार उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि एक विशेष समय सीमा के दौरान, मान लो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, एक ही प्रकार के माने समान विशेषता रखने वाले रचनाओं को देखा गया। अगर भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में भक्ति परक रचनाएं देखी गई, समाज सुधार परक रचनाएं देखी गई। तो इसको आधार बनाया उन्होंने कि एक कालखंड को देखा, इस कालखंड में एक ही तरह के सारे रचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, समझ में आ रही हैं, इसलिए उसको उन्होंने एक नाम दिया। हाँ, उन्होंने एक और बात और चेताया है कि इसका मतलब यह नहीं कि भक्ति काल में किसी और प्रकार की रचनाएं नहीं है या आदिकाल के विशेषता को छोड़कर और प्रकार की रचनाएं, हर समय में हर प्रकार की रचनाएं हैं, लेकिन बहुलता किस चीज की, अधिकता किस चीज की है
उसको ध्यान में रखकर उन्होंने इस कालखंड को बांटा है। इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में रखे रहें, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि क्या काल विभाजन है। ठीक है, अब ऊंचे क्लास के लिए इसका वर्णन आपको और ब्यौरेवार चलना पड़ेगा, कवियों के नाम, पुस्तकों के नाम, बहुत बहुत तरह से इसमें बंटवारा करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी बातें याद रखनी होंगी। फिर आपको ये देखना होगा कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और सब तमाम विषय याद रखने होंगे। ये जस्ट एक सामान्य आपको काल विभाजन करके मैंने बताया कि आप इस सामान्य मैटर को याद रखें, जिससे आपको समझ में आता रहे कि कम से कम काल विभाजन के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कैसे कैसे बांटा गया है और ये कितने से कितने तक का समय है। बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं बता पाते हैं कि कब से कब तक का आदिकाल है, कब से कब तक का भक्ति काल है, फिर रीति काल है और फिर आधुनिक काल है। कुछ बच्चे तो इससे भी महान है, उनको तो यह ही नहीं पता कि आदिकाल पहले है कि भक्ति काल, कि रीति काल और कि आधुनिक काल। तो अगर ऐसी समस्या है तो इसको आप करें तो आप देखेंगे कि आपकी थोड़ी समस्या खत्म हो गई। प्रश्न अब इसके बाद जब आप सारे हिंदी साहित्य के प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है, ऐसा काल विभाजन को जानने के बाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप ऐसा करें, और क्लास कैसा लगा इसको भी आप कमेंट करके बताएं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा देते रहें, हमें मिलता रहे, यही हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।